हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत राजकीय बालिका विद्यालय नोहर की कुल 11 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई। बता दें कि हनुमानगढ़ से स्कूटी प्राप्त कर विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय परिवार और गणमान्य नागरिकों ने बेटियों का भव्य स्वागत किया। इसके तहत ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नोहर वीर सिंह धनिया ने भी बताया कि राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में मेधावी छात्राओं का चयन किया गया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। आज राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण योजना, जो कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के नाम से है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से जो बोर्ड की मेरिट है उस मेरिट से तय किया जाता है, और उसमें से बड़ी खुशी की बात है कि इस विद्यालय की 11 छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। 11 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिसमें से 3 छात्राएं तो ऐसी हैं जिसमें स्कूटी के साथ साथ इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से 1,00,000 की इनामी योजना है। वो 1,00,000 रुपये पुरस्कार के रूप में भी और स्कूटी के रूप में भी, और इनमें से एक बच्ची ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री अलंकार योजना के नाम से 50,000 रुपये का इनाम और दिया जाता है, तो वो तीनों के लिए पात्र है।